थोड़े ही देर में ठीक 6:30 पर प्रमुख अतिथि जी का आगमन संघ स्थान पर होगा। सभी निमंत्रित बंधु एवं बहनों से विनंती है कि आगमन का संकेत होते ही हम लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे, यह आप सभी से विनंती है। स्वागत प्रणाम, ध्वजारोहण एवं प्रार्थना के पश्चात हम सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसी विनंती है।
स्वागत है, प्रणाम। एक, दो, तीन। भुज्य दंड संघ आरम संघ दक्ष जब प्रणाम। एक, दो, तीन। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितो हम। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांगभूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम्। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्यांच विश्वस्य देहि सशक्तिम्। सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्। स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्। परं साधनं नाम वीरव्रतम्। तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा। मृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्। विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्। विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्।
परं वैभवं नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शुषाते भृशम् भारत माता की जय। तुझे प्रणाम। एक दो तीन रमा। सभी निमंत्रित मान्यवर तथा मंचासीन अधिकारी उपस्थित नागरिक बंधु भगिनी अपना कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। संघ दक्ष स्कंद संघ प्रत्युत प्रज्वलनम केंद्र दह प्रचल तुझे प्रणाम। एक दो तीन। प्रदक्षिणं संजलक्षति गणस्तंभ विह गणशः दक्षिणतः चतुर विह गणेक वाम भ्रम प्रचल
पास से बोलिएगा, माइक के पास से। गण समता गण दक्ष स्कंद, एक दो तीन चार, प्र चल, एक दो एक दक्षिण देगंद्र दक्षिण वीगो, एक दो एक दो प्र चल, एक दो अर्ध वृत्त, एक दो एक दो एक दो अर्ध वृत्त, एक दो वामदिक प्रचलनम चतर विग, एक दो तीन चार, एक दो अर्ध वृत्त, एक दो एक दो अर्ध वृत्त, एक दो दक्षिणेन तति वीग, एक दो एक दो प्र चल, एक दो अर्ध वृत्त, एक दो एक दो एक दो अर्ध वृत्त, एक दो दक्षिणादिक प्रचलनम चतर व्यूह, एक दो अर्ध वृत्त, एक दो एक दो एक दो अर्ध वृत्त, एक दो एक वामेन तति विग, एक दो प्र चल, एक दो अर्ध वृत्त, एक दो एक दो एक दो अर्ध वृत्त, एक दो वाम दिगंद्र वाम वीव, एक दो प्र चल अर्ध वृत्त, एक दो एक दो अर्ध वृत्त, एक दो मंद चल रथ, एक दो एक दो एक गण स्तब, सामूहिक समता प्र चल, एक दो एक दो गण स्तब, सम्यक
सामूहिक समता घोष, सामूहिक समता प्रयोग क्रमांक एक गुरु। प्रयोग क्रमांक दो गुरु। क्रमांक तीन गुरु। प्रयोग क्रमांक चार गुरु। प्रयोग क्रमांक पांच गुरु। सौदन दंडगण प्रो चलो। एक जाओ, एक सौदन स्तभो सम्यक। सौदन पूज दंड एक दो तीन छ सम्यक। विसर्प प्रकार एक करो। प्रकार सिद्ध, प्रकार अर्ध ब्रह्म युग विस्तार करो। प्रकार ऊर्ध्व ब्रह्मन अर्ध ब्रह्म युग करो। क्रमिका सिद्ध स्वस्थ सौदन।
वेद सिद्ध प्रदीन संदीन ब्रह्मण मार सतुष करो वेद ऊनवृद तूर्यवृद द्विमार सतुष्क विस्तार प्रयोग दो करो वेद तूर्य वृद ऊण वृद सतुष्क करो क्रमिका सिद्ध षटपदी ऊर्ध ब्रह्मण सतुष्क करो शतपति सिंहध्वज सतुष्क करो स्वस्थ सौदन सम्यक स्वागत प्रकार एक करो पूजा दंड एक दाव तीन स्कंद एक दाव तीन चार अर्ध प्रथ इष्टिगण प्रा चल प्राथमिक प्रयोग
प्राथमिक प्रयोग दो प्रथम वर्ष प्रयोग एक प्रथम वर्ष प्रयोग दो द्वितीय वर्ष प्रयोग एक तृतीय वर्ष प्रयोग एक तृतीय वर्ष प्रयोग दो प्रथम वर्ष प्रयोग पांच गण कोश शस्त्र एक दो इष्टिगण अर्ध प्रद प्र चल
व्यायाम गणा भुजा दंडा एक दो तीन चार सम्यक दंड व्यायाम योग स्तुति एक दो दंड व्यायाम योग करो स्थलदंड विभाग शगो एक दो आ रुम आसन वाहिनी समस्थिति एक दो श्रृंखला एक श्रृंखला एक निर्मल करे सुभा
तीन, श्रृंखला तीन, सोना साजन साधु जन टूटी जुरे सबार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक धका दरार। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। सांगिक गीत। परम वैभवी भारत होगा,
मंच पर उपस्थित नागपुर महानगर संघ चालक माननीय राजेश जी लोया, आपसे विनंती है कि आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि का परिचय एवं स्वागत करें। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पूज्य श्री दाजी उपाध्य कमलेश जी पटेल, वर्ग के सर्वाधिकारी माननीय अशोक जी पांडे, विदर्भ प्रांत संघ चालक श्री राम जी हरकरे, उपस्थित संतगण, अधिकारीगण, शिक्षार्थी बंधुओं, विशेष अतिथिगण, नागरिक बंधुओं और भगिनी, तृतीय संघ शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में मैं आप सभी का नागपुर में हृदय से स्वागत करता हूं। दिनांक 9 मई से चल रहे इस वर्ग के अवलोकन हेतु अनेक नागरिक बंधु इस परिसर में पहुंचे, अपने इस वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से देखने और संघ की कार्य पद्धति का अनुभव लेने हेतु आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथि यहाँ पधारे हैं। उनका परिचय आप सभी से कराना चाहूँगा। यहाँ उपस्थित हैं मणिपुर के महाराजा माननीय लेशिम्बाजी संजाओबा। आपका जन्म 1 मार्च 1972 में मणिपुर के इम्फाल राजघराने में हुआ। आपने महाराजा बोधचंद्र कॉलेज से बीए इंग्लिश ऑनर्स की पदवी प्राप्त की। वर्तमान में आप मणिपुर के महाराजा हैं और 2020 से राज्यसभा के सदस्य बने। आपकी पत्नी श्रीमती अनामिका और परिवार भी यहाँ उपस्थित हैं। श्री अनुराग जी बेहर, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ तथा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे हुए, ऐसे अपने अनुराग जी, जमशेदपुर से आपने एमबीए की शिक्षा प्राप्त की तथा त्रिची के एनआईटी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की पदवी प्राप्त की। अनेक सरकारी और औद्योगिक परिषद में आपने सलाहकार के रूप में अपनी सेवा दी है, मार्गदर्शन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कमिटी के आप सदस्य रहे और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समिति के सदस्य भी हैं। माननीय श्री संजीव जी सन्याल, भारतीय अर्थशास्त्री तथा प्रसिद्ध इतिहासकार। आपका जन्म कलकत्ता में हुआ। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्ण करने के बाद आपने 2008 में देश बैंक में अपने करियर का प्रारंभ किया। 2017 में भारतीय अर्थ मंत्रालय में आपकी नियुक्ति प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के पद पर हुई। इस वर्ष इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसमें सदस्य नाते आपकी नियुक्ति हुई है। आपने भारतीय इतिहास पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आप हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स इत्यादि पब्लिकेशन में स्तंभ लेखक के रूप में जाने जाते हैं। 2010 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर से के मनोनीत आप हुए। स्वाभाविक ही आपके कौशल्य और प्रतिभा के कारण आप देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुए हैं। आपके साथ आपकी पत्नी स्मिता जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार हैं एवं सुप्रसिद्ध लेखिका भी हैं। हम सभी के परिचित, सभी स्वयंसेवकों के परिचित श्री सुनील भाई मेहता आज अपनी पत्नी श्रीमती सुचिता तथा पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आप गुजरात आनंद नगर के निवासी हैं। शिक्षण क्षेत्र में आपका दीर्घ अनुभव रहा। आप सरदार पटेल विश्वविद्यालय के बीबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेक्चरर रहे। आप गुजरात टेक्निकल इंस्टीट्यूट में करिकुलम रिवीजन एंड डेवलपमेंट के कोऑर्डिनेटर रहे। आपने लाइफ एंड टाइम ऑफ सरदार पटेल इस विषय पर अनेक बार व्याख्यान दिए हैं। आप सेवा भारती के विश्वस्त हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम क्षेत्र के कार्यवाह के दायित्व का निर्वहन के पश्चात वर्तमान में आप अखिल भारतीय सहबौद्धिक प्रमुख हैं। श्रीमती कामाक्षी अक्का चेन्नई से पधारी हैं। दिव्यांग क्षेत्र में अपना जो कार्य चलता है सक्षम नाम से, उसकी आप राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं। श्रद्धेय बाबू सिंह जी महाराज पोरादेवी जिला वाशिम महाराष्ट्र से यहाँ पधारे हैं। वे संत श्री सेवादास महाराज के वंशज तथा श्रद्धेय रामराव जी महाराज के उत्तराधिकारी हैं। आप अखिल भारतीय बंजारा समाज के धर्मगुरु हैं। इसी तरह से पूज्य श्री जनार्दन पंत बोथे, राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज की विशेष कृपा आप पे उपस्थित रही, ऐसे वे आज उपस्थित हैं। टुकड़ो जी महाराज के सहयोग से शिक्षण प्राप्त कर उनके ही सानिध्य में अपने कार्य कौशल को बढ़ाते हुए, नए नए बातों को अर्जित करते हुए आगे बढ़ते गए, और यह भाग्य संत टुकड़ो जी महाराज के साथ उनको प्राप्त हुआ। गुरु जी राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा संस्थापित अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल गुरुकुंज आश्रम के पिछले 22 वर्षों से जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। आप सभी विशेष अतिथियों ने हमारे निमंत्रण को मान दिया और यहाँ पधारे। मैं नागपुर महानगर की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। इस वर्ग के माननीय सर्वाधिकारी अशोक जी पांडे, आपका निवास भोपाल में है, आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं एवं 6 वर्ष से मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। आप मध्य भारत प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक है। इनके मार्गदर्शन में ही यह तृतीय वर्ष 25 दिन से चल रहा है। मैं उन्हें विनंती करूंगा कि मंच पर उपस्थित प्रमुख अतिथि एवं मंचासीन अधिकारी का परिचय, स्वागत एवं आभार प्रदर्शन करें। प्रमुख अतिथि परम पूजनीय श्री दाजी उर्फ कमलेश भाई पटेल जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय विदर्भ प्रांत संघ चालक श्री रामजी हरकरे, माननीय महानगर संघ चालक श्री राजेश जी लोया, उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण एवं निमंत्रित सभी मान्यवर बंधु भगनी, आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के नाते पधारे हुए परम पूजनीय श्री दाजी उपाख्य कमलेश पटेल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में 1956 को हुआ। फार्मेसी की पढ़ाई करते समय आपको ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा मिली। श्री रामचंद्र मिशन के संस्थापक परम पूज्य श्री रामचंद्र जी से आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आपने 1980 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में फार्मेसी का व्यवसाय प्रारंभ किया। साथ साथ आपने सहज मार्ग की राजयोग की साधना भी की। 2021 में मिशन के दूसरे अध्यक्ष परम पूज्य पार्थसारथी राजगोपालाचारी के उत्तराधिकारी घोषित करते हुए आप 2012 में मिशन के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। 20 दिसंबर 2014 में श्री चारी जी के स्वर्गस्थ होने के बाद श्री रामचंद्र मिशन के आप अध्यक्ष बने। आधुनिक काल में विश्व के साधकों का, विशेषतः तरुणों का मार्गदर्शन करने वाले आध्यात्मिक गुरु आज इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के नाते हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका सानिध्य प्राप्त करना हमारा सौभाग्य है। मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से विनम्रता से विनती करता हूं कि आपको पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें।
आज के कार्यक्रम में अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। आप मूलतः विदर्भ प्रांत के चंद्रपुर के निवासी हैं। MBSC की शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1974 में संघ के प्रचारक बने। विदर्भ प्रांत प्रचारक, बिहार क्षेत्र प्रचारक, अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख एवं सर कार्यवाह के दायित्व का निर्वाह करते हुए 2009 से परम पूजनीय सरसंघ चालक इस नाते मार्गदर्शन कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित माननीय विदर्भ प्रांत संचालक श्री रामजी हरकरे, आप मूलतः नागपुर के हैं। आप महालेखाकार कार्यालय से सेवानिवृत्त हैं। बाल्यकाल से विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप विदर्भ प्रांत के माननीय संचालक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण एवं निमंत्रित सभी मान्यवर बंधु तथा भगनियों का वर्ग के संचालन टोली की ओर से इस समारंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने नागपुर नगरी में पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के पद स्पर्श से पवित्र भूमि पर प्रतिवर्ष तृतीय वर्ष का शिक्षण वर्ग चलता है। इसमें संपूर्ण भारत से शिक्षार्थी आते हैं। ग्रीष्मकालीन कठिन परिस्थितियों में शिक्षार्थियों की यह साधना बिना बाधा के अखंड चलती रहे, इस हेतु इस कार्य में समाज के अनेक बंधु, विविध सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थाएं, शासन प्रशासन का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। आपके सहकार्य के बिना इस वर्ग का संचालन अतीब कठिन है। आपके सहयोग का विस्मरण होना कदापि संभव नहीं है। समापन के अवसर पर आपके द्वारा प्राप्त अमूल्य सहयोग का स्मरण करते हुए आपका धन्यवाद ज्ञापित करना इस वर्ग के सर्वाधिकारी के नाते मेरा दायित्व बनता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम पूज श्री दाजी उपाख्य कमलेश पटेल जी वर्ग में दो दिन से उपस्थित हैं। उनका प्रेरक सहवास एवं मार्गदर्शन वर्ग के शिक्षार्थियों को प्राप्त हुआ। आज इस प्रकट समारोह में हम सब उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित होने वाले हैं। आपके सहवास एवं मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। भारत के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र में अपने प्रतिभा के द्वारा पथ दर्शन करने वाले अपने कार्यक्रम में उपस्थित महत्वपूर्ण विशेष अतिथि मणिपुर के महाराजा माननीय लेशिम्बा संजाओवा, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के CEO माननीय श्री अनुराग जी बहर, आर्थिक सलाहकार माननीय श्री संजीव जी सान्याल, अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख माननीय सुनील भाई मेहता, आप सभी संघ के निमंत्रण पर सपरिवार उपस्थित रहे, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस वर्ग के सफलता के लिए अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करने वाले CP&Barar एजुकेशन संस्था, न्यू इंग्लिश, नील सिटी शैक्षणिक संस्था, वर्ग के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए नागपुर महानगर के हॉस्पिटल्स एवं वर्ग में प्रतिदिन स्वास्थ्य सेवा संभालने वाले चिकित्सक बंधु, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से समय समय पर भेजे गए चिकित्सक बंधु, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति, रेशमबाग मैदान से संबंधित क्रीड़ा संस्था एवं खिलाड़ी, इन सभी सामाजिक एवं शैक्षण संस्थाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं का स्वागत एवं मनःपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। वर्ग में विविध सुविधाएं एवं अपनी सेवाओं के द्वारा उपलब्ध कराने वाले नागपुर महानगर पालिका नागपुर, सुधार प्रन्यास, विद्युत विभाग, यातायात के लिए रेल विभाग एवं राज्य परिवहन निगम, सुव्यवस्था ठीक रखने के लिए केंद्रीय एवं महाराष्ट्र पुलिस बल आदि प्रशासनिक संस्था से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों का भी हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी निमंत्रित बंधु भगनी का आभार व्यक्त करते हुए ऐसा ही सहयोग, सेवा एवं स्नेह सदैव प्राप्त होता रहेगा, ऐसी अपेक्षा करते हुए आभार प्रदर्शन के कार्यक्रम को विराम देता हूँ। वर्ग के कार्यवाह भाई राकपम राजन सिंह जी, आप इम्फाल मणिपुर के निवासी हैं। नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर SID पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में असम क्षेत्र के कार्यवाह है। आपसे निवेदन है कि अपना वर्ग संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रमुख अतिथि परम पूजनीय श्री दाजी उर्फ कमलेश भाई पटेल जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सर्वाधिकारी जी, उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण एवं निमंत्रित सभी मानव बंधु तथा भगनियों का
वर्ग के संचालन टोली की ओर से इस समारंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का इतिहास बहुत पुराना है। संघ शिक्षा वर्ग का प्रारंभ 1927 में हुआ। संघ शिक्षा वर्ग के श्रृंखला में प्रतिवर्ष नागपुर में होने वाला तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का अपना एक विशेष स्थान है। यह वर्ग 1940 से प्रारंभ होकर कुछ विशेष प्रसंग अपवाद छोड़कर प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है। यह वर्ग कोरोना के दो वर्ष के कालखंड के बाद संपन्न हुआ। इस वर्ग में संपूर्ण भारतवर्ष से कार्यकर्ता आए हैं। यह वर्ग 20 वर्ष से 40 वर्ष तक के आयु के स्वयंसेवकों के लिए योजित था। वर्ग का प्रारंभ आत्मय 2022 दोपहर से प्रारंभ होकर आज उसका प्रकट समापन हो रहा है तथा कल प्रातः दीक्षांत के बाद शिक्षार्थी अपने स्थानों के लिए प्रस्थान करेंगे। वर्ग में संघ की योजना से निर्मित 45 प्रांतों से 735 शिक्षार्थी तथा शिक्षक प्रबंधक इत्यादि मिलाकर 900 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वर्ग में 10वीं से स्नातकोत्तर तक सभी स्तर के शिक्षित शिक्षार्थी आए हैं। विद्यार्थी, अध्यापक, प्राध्यापक, अभियंता, अधिवक्ता, कामगार, स्वयं रोजगार, लघु उद्योजक, कर्मचारी, किसान, डॉक्टर, पत्रकार, ऐसे सभी के शिक्षार्थियों का समावेश होना संघ के सर्वस्पर्शिता का द्योतक है। तहसील स्तर से लेकर क्षेत्र स्तर तक के नगर एवं ग्रामीण भौगोलिक रचना के दायित्वधारी प्रतिनिधित्व हुआ है। यह संघ के सर्वव्यापी स्वरूप का दर्शन है। वर्ग की दिनचर्या प्रातः 4 बजे जागरण से प्रारंभ होकर शारीरिक एवं बौद्धिक विभाग का प्रशिक्षण संपूर्णतः 9 घंटे की प्रतिदिन साधना से रात्रि 10:15 दीपनिमीलन से पूर्ण होती है। शिक्षार्थियों का पूजनीय सरसंघचालक माननीय सरकार्यवाह एवं अन्य अखिल भारतीय अधिकारी द्वारा विविध विषयों का प्रबोधन एवं जिज्ञासा का समाधान किया गया। सेवा भाव से जागरण एवं श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हेतु प्रतिदिन श्रम साधना का आयोजन किया गया। समाज में व्याप्त कुछ समस्या का निवारण करने के लिए संघ ने प्रारंभ किए हुए समरसता, पर्यावरण, ग्राम विकास, कुटुंब प्रबोधन इत्यादि 6 गतिविधियों का प्रशिक्षण भी दिया गया। सेवा संपर्क प्रसार के विविध पहलू एवं कुशलता की पूर्ति हेतु समूह 4 दिन के व्यवहारिक प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन, समुपदेशन, सेवा कार्य का संचालन आदि का प्रशिक्षण किया गया। यह वर्ष स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के विशेष पार्श्वभूमि पर होने से वर्ग में 30 मई 2022 को स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव दिवस के रूप में संपन्न किया गया। इस निमित्त प्रातः जागरण से रात्रि दीप निमीलन तक दिनचर्या में आने वाले विविध सत्रों में ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी इनका पुण्य स्मरण करते हुए उनको अभिवादन किया गया। उसमें संपूर्ण देश के विविध प्रांतों की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चलाए गए संघर्षों के घटना का मंचन किया गया। शिक्षार्थियों द्वारा 750 दीपक जलाकर देश के लिए संकल्प भी लिया गया। अपने कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि परम पूजनीय दाजी ने सभी शिक्षार्थियों के साथ प्रेरक संवाद किया। ऐसे 25 दिन से चल रहे वर्ग का समापन समारोह आप सभी की उपस्थिति में हो रहा है। इस समापन समारंभ में प्रमुख अतिथि का मार्गदर्शन एवं परम पूजनीय सरसंघचालक जी का उद्बोधन होगा। यह इस वर्ग का संक्षिप्त प्रतिवेदन है। धन्यवाद। अमृत वचन। पूजनीय बाला साहेब देवरस जी ने कहा है कि संघ हिंदू समाज को सामर्थ्य संपन्न करना चाहता है। संघ की इच्छा है कि यह सामर्थ्य समाज में स्वाभाविक रीति से सदैव विद्यमान रहे। किसी बाह्य संगठन द्वारा सदैव समाज की रक्षा की जाती रहे, यह उचित नहीं। समाज अपनी हर समस्या का समाधान स्वयं सदा करता रहे,
इसी प्रकार के स्वाभाविक सामर्थ्य का जागरण संघ कर रहा है। एकल गीत देव दुर्लभ वीर व्रतले संगठित हो देश सारा देव दुर्लभ वीर व्रतले संगठित हो देश सारा विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा देव दुर्लभ वीर व्रतले संगठित हो देश सारा विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा सत्य पथ अपना सनातन नित्य नूतन चिर पुरातन व्यष्टि से परमेष्टि तक है चेतना का एक स्पंदन वेदवाणी के स्वरों में गूंजती संस्कार धारा विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा सब सुखी हो सब निरामय इस धरा का मूल चिंतन विश्व को मांगल्य देने कर दिया सर्वस्व अर्पण गरल पी कर शिव बने हम शक्ति का यह रूप न्यारा विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा जननी है वसुधा हमारी मातृ मन का भाव जागे एकता का मंत्र देकर जगति में एकात्म साधे विश्व गुरु के परम पद पर हो प्रतिष्ठित देश सारा विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा देव दुर्लभ वीर व्रतले संगठित हो देश सारा विश्वव्यापी ध्येय पथ पर राष्ट्र विजयी हो हमारा राष्ट्र विजयी हो हमारा। प्रमुख अतिथि परम पूजनीय दाजी उपाख्य कमलेश जी पटेल, आपको विनंती करता हूं कि आप अपना मार्गदर्शन प्रारंभ करें। सद्य एवं परम पूज्य माननीय श्रीमान जी सरसंघ संचालक श्रीमान मोहन जी भागवत
सभी अतिथिगण और शिक्षार्थी जो यहाँ है और जो बहुत दूर वर्चुअली देख रहे हैं, सभी को मेरे सत सत प्रणाम पूरे हृदय से। जब छोटा था तो जब आप सब कर रहे हैं वो करने का मुझे नसीब नहीं था। हमारे स्कूल में यही कसरत, यही ट्रेनिंग दी जाती थी। गुरुकुल में दो सेक्शन रहते थे, कसरत व्यायाम वाले और दूसरा संगीत वाले। तो मैं संगीत वाला हूँ क्योंकि कर नहीं सकता था एक्सरसाइज। खैर, लेकिन उसके परिणाम भी बहुत आते हैं। वीक होते हुए भी कसरत तो करनी चाहिए थी, आज समझ में आता है। इसे बहुत कुछ समझ में आता है, आया है जब से मैं यहाँ रुका हूँ। आज दूसरा दिन है, मुझ में बहुत गलत फहमियाँ थी। हमारे साथ बहुत सत्संगी भी है, उनकी भी बड़ी बड़ी समस्याएं रही हैं, कन्फ्यूजन रहा है आरएसएस क्या है। यहाँ के मैंने देखा प्रेम तो था ही, भागे ऐसी बार बार हमारे आश्रम में आए हैं, जोशी जी आए हैं, सुनील जी, श्रीधर जी लोकल कार्यकर्ता आए हैं, और उससे पहले दो बार सद्य परम पूज्य सर संचालक मोहन जी से भी मुलाकात हुई। लास्ट टाइम जब कान्हा शांतिवन में आए पूरी डिटेल में चर्चा हुई, और उस समय साहब ने मुझे आमंत्रण दिया कि आप आना है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। हम सत्संगियों के साथ यहाँ रुके हैं, जब से रुके हैं तब से आनंद ही आनंद है, कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। उनकी बात हमने सुनी, समन्वय समर्पण किसके लिए, जो अपना है, अपना कौन है, मेरा देश, उनके लिए समन्वय, यूनिटी, एकमयता। हम देखते आए हैं कि जो टेररिस्ट लोग हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा एकता होती है। एक प्रांत में किसी ने बॉम्ब की रिसर्च कर दी कि अच्छी तरह से लोगों का या दुश्मन का नुकसान कर सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी सभी टेररिस्ट को इजीली मिल जाती है 5 मिनट के अंदर। इतना कोऑपरेशन होता है उन लोगों में, समन्वय, सब अपने होते हैं उनके लिए। लेकिन जो सात्विक लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये मिशन है, वो मिशन है, ये मंडप है, वो मंडप है, ये धर्म वाले हैं, वो धर्म वाले, बड़े ऊंचे ऊंचे बोलते हैं, भारत देशी है, आध्यात्म दुनिया में ऊंचे पहुंचे हैं, लेकिन दो संत लोग को आप बैठाओ, बैठेंगे नहीं साथ में। एकता, एकता के बिना जो भारत माता की जो जय जयकार के गुंज सुनना चाहते हैं, हम कैसे सुनेंगे। 3000 तरह के कारीगर, या कहो या हिंदू कास्ट कहो या हिंदू अपने जी अपने देश में, इतने वर्ग हैं, 3000 से भी ज्यादा हैं। वो सब अपने अपने क्लास के लिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स में बोलते थे, डोंट थिंक व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। सोचो हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा मत सोचो कि देश हमको क्या करेगा। देश तो हम ही से ही बना है, हम नहीं होते तो देश कहाँ होता। हम सबसे तो देश बना है, जैन है हम लोग, बुद्धिस्ट है, हिंदूज है, मुसलमान लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, सभी लोग हैं, सभी अपनी अपनी
पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम सब का ध्येय एक ही है, भारत फले फूले, उनकी जय जयकार सब जगह होए। यदि विश्व का विश्व शक्ति में भी नंबर वन होना है और विश्व गुरु होके भी नंबर वन होना है, विश्व गुरु कब बन सके? गुरु का मतलब है जो दिशा दिखाएं, दुनिया को दिशा दिखाएं। यदि आप भौतिक दुनिया में भी सशक्त नहीं होंगे, चाहे कितनी भी आध्यात्मिकता आप में हो, कोई सुनेंगे नहीं, तो हमें दोनों तरह की शक्तियां प्राप्त करनी है, भौतिक और आध्यात्मिक। वो दोनों शक्तियां ऐसी है, एक पंखी जैसे हैं, दोनों पंखी, पंखी के दो पंख, एक भौतिक है एक आध्यात्मिक है। हम इतना भौतिकता में भी इतना न डूबे कि जिसकी वजह से विश्व गुरु बनने से रुक जाए। आध्यात्मिकता के बिना ये नहीं हो सकता है, और आध्यात्मिकता में इतने डूब न जाए कि भौतिकता में हम जीरो हो जाए। दोनों को का मिलन होके इकट्ठे करके चलना है, यही तो योग है। योग कई कई तरह के योग है, लोअर सेल्फ विद हायर सेल्फ, आत्मा का परमात्मा के साथ का मिलन, बूंद का समंदर में मिल जाना मिलन, ये दोनों पंख है, दोनों ब्रांचेस जो है अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों का मिलन करना है। इंडिविजुअल हम अकेले ही नहीं, अकेले से कुछ नहीं होगा। एक उदाहरण देता हूँ, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ का वातावरण देखते हैं कैसा होता है, दुख होता है ना, थोड़ा हम थोड़ा डिप्रेस भी हो जाते हैं, कई लोग बीमार होते हैं, हैवी एटमॉस्फेयर होता है। श्मशान भूमि में जाते हैं तब वहाँ पे भी टेम्पररी वैराग्य जैसी हालत हो जाती है। किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं वो माहौल कुछ और होता है, हम मंदिर जाते हैं तो वो माहौल कुछ और होता है। ये माहौल इंडिविजुअल जो है एक अकेले से नहीं होता है, जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, ये सब चीज़ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसे एक वातावरण माहौल बन जाता है, वो हमें इफेक्ट करता है, और इससे अपनी बढ़ती या पड़ाव दोनों हो सकते हैं। जब छोटा था, एक गांव से दूसरे गांव जब जाने का आता था बुलक कार्ट पे, बैलगाड़ी में, तो हमारे साथ हमारे स्ट्रीट के दो कुत्ते भी आते थे। जब एक गांव का सिमाड़ा छोड़ के दूसरे सिमाड़े पे जाते हैं दूसरे गांव, तो कुत्ते रुक जाते थे। वो जो बॉर्डर आता है ना दो विलेज के बीच का बॉर्डर, इसको सिमाड़ा बोलते हैं गुजराती में, पता नहीं हिंदी में क्या है, लेकिन जो बॉर्डर आती है वहाँ से दोनों कुत्ते वापस चले जाते थे। बहुत बार मैंने सोचा ये क्यों वापस जाते हैं, उसको मैं पकड़ पकड़ के साथ में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं आते थे। हर गाँव का वातावरण माहौल अलग होता है, वो पहचान जाते हैं, यहाँ जाऊंगा तो पिटाई हो जाएगी, वापिस जाना है। जब आप फ्रांस से जब इंग्लैंड जाते हैं ट्रेन में, वो टनल क्रॉस करते हैं, तो जो वातावरण आप महसूस करोगे अचानक वातावरण बदल जाता है। मैं एटमॉस्फेरिक वातावरण की बात नहीं करता हूँ, एक तरह का भारीपन महसूस होता है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, कई प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ भारीपन होता है, कई प्रदेश ऐसे होते हैं कि जहाँ एंटर होते ही आनंद होता है। भारत भूमि, जब जब भी हम बाहर से अपने घर लौटते हैं रोते हैं, आनंद से रो उठते हैं, क्यों? इस भूमि का वातावरण ही ऐसा है।
जो मछली पानी में रहती है ना, उसको पानी की क्या बोलते हैं, इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है। जब उसको पानी से निकाल लो, तड़पती है और बाद में फिर से समंदर में डालो तो खुश हो जाएगी। हम भी ऐसे मछली जैसे थे, बहुत बाहर घूमे, जब यहाँ का वातावरण महसूस नहीं किया तो तरस लगती है, भूख लगती है, चलो देश जाएं। और जब भी आते हैं तभी चैन मिलता है, चलो अब हम ठीक हो गए। एक क्यों? क्योंकि ये भूमि संतों से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनकी साधनाओं से, एक ही संत नहीं, लाखों संत लोग आए हैं। आप में से भी बहुत लोग संत हैं। हमारे विचार, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी तपस्या अपने देश के लिए, देश का घड़तर करेगी, देश का निर्माण करेगी। तंदुरुस्त होना है, सब तरह की गेम्स भी खेलना है, पढ़ना भी है, समाज की सेवा भी करनी है। लेकिन मैं तभी ही सर्विस कर सकता हूँ जब मैं खुद कुछ आगे बढ़ाऊँ। मैं भिखारी होके किसी को पैसा नहीं दे सकता, बीमार होके मैं किसी को हेल्प नहीं कर सकता। सशक्त होना है स्पिरिचुअली एज वेल एज मटेरियली, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में सक्सेस पाना है। इंडिविजुअली, फैमिली, अपना समाज, तभी ही देश आगे बढ़ेगा। जब देश दोनों चीज में सशक्त होएगा तो विश्व गुरु बन सकता है। तो हमें भौतिकता में ध्यान देना भी है, आध्यात्मिकता में भी ध्यान देना है, साथ होके सबके समन्वय के साथ ईश्वर के प्रणिधान में, ईश्वर के समर्पण होके देश के लिए जागे। और सभी संस्थाएं हैं, जो सुन्नी हो या सिया हो, इस्लामिया हो या सुलेमानी हो, चिश्ती हो या काबुली हो, नूरबख्शी हो या स्वामीनारायण वाले हो या ब्रह्म कुमारी वाले हो, या पतंजलि परिवार से हो या गायत्री परिवार या स्वामीनारायण तो बोल चुका हूँ, और बहुत हजारों संस्थाएं हैं अपने देश में। चलो हम साथ मिलें, सब लोग साथ मिलके देश का नया निर्माण करें, सब साथ मिलके गरीबी हटाएं, सब साथ मिलके एक तरह की ऊर्जा अपने देश में पैदा करें कि जो जिसके लिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे महाराजा हैं, उनके लिए सपना रह गया। विश्व गुरु बनना है मीन्स दूसरों को सिखाना है, दूसरों को सिखाने के पहले मेरे के अंदर तो कुछ होना है, उसकी तैयारी करना है, रात को साधना करना है, 4-5 घंटा सोना है बहुत हो गया, पढ़ाई भी जब पढ़ाई का मौका है ढंग से कर लेना है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको परफेक्टली करना है, पूर्ण रूप से करना है, तभी बड़ी चीज़ पूर्ण रूप से कर सकेंगे। और बड़ी चीज़ हमारे सामने है, देश की एकता, देश के लिए मर मिटना। सभी धर्म के लोग अपने देश में हैं, विविध तरह के हैं, अपने संघ से किसी को दुश्मनी नहीं है, सभी से प्रेम है, स्नेह है। हम सभी एक ही देश में रह रहे हैं, एक ही देश के लिए हम सेवा करेंगे। हम कुछ भी हो, किसी को परवाह नहीं है कि आप ध्यान करो या नहीं करो, किसी को परवाह नहीं है कि आप ब्रह्म कुमारी मानो या स्वामीनारायण मानो, आप जो करो करो, लेकिन एक चीज़ भूलना नहीं है कि देश यदि असहाय होएगा तो ये पूजा पाठ कभी नहीं होगा। लोग खा जाएंगे, बंदूक लगे बोलेंगे ये करो या वो करो, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे बुजुर्ग, उन लोगों को भी तलवार दिखाई गई थी
काई के लिए, धर्म बदलने के लिए। बहुत माएँ, बहुत भगिनियाँ, बहुत बहनों का बलात्कार हुआ है 300, 400, हजारों सालों से पहले, वो भूलना नहीं है, वो मोमेंट आने नहीं देना है। सशक्त होना है। और जब मैं यहाँ के देखता हूँ तो एक आशा के किरण मेरे हृदय में स्फुरित हो जाता है कि हाँ, हमारा भविष्य बहुत सुंदर है। लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने देश में, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह का वचन ले लें। दूसरा भी वचन ले सकते हैं कि हम कुछ नहीं करें, ठीक है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय न करें, उसको बर्बाद न करें। मैं नीचे से गार्बेज उठा सकता हूँ, कचरा उठा सकता हूँ, लेकिन वो भी नहीं करना है तो रोड पे कचरा तो एटलीस्ट मत डालो। आप सब लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। बस इतना ही कहते हुए मैं मेरा भाषण बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वचन देते हैं खुद ही को कि फिर से भारत माता का, भारत माता की जो गूंज हम सुनना चाहते हैं, जय जयकार की गूंज, वो सपना, वो सपने को फलीभूत करने के लिए कार्यवत हो जाए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी शिक्षार्थियों को भी जो तृतीय वर्ष की समारोह में पोस्ट, आई मीन ग्रेजुएशन सेरेमनी, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। और इच्छा रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जायंट्स बने, स्पिरिचुअल जायंट्स। छोटे छोटे रहना नहीं है, बड़ा हो जाना है। थैंक यू। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से निवेदन है कि वे अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि परम श्रद्धेय श्री दाजी, इस वर्ग के अवलोकन के लिए देशभर से यहाँ पर उपस्थित विशेष निमंत्रित अतिथिगण, संघ पर जो प्रेम है उसके कारण यहाँ उपस्थित हमारे दोनों संत, माननीय सर्वाधिकारी जी, विदर्भ प्रांत के माननीय संघ चालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिवर्ष यह शिक्षा का क्रम चलता है, परंतु दो वर्ष से कोरोना के कारण स्थगित था। प्रशिक्षण स्थगित नहीं हुआ, इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ, मैदान में शाखाएं नहीं लगी, घरों में लगी, लेकिन संघ कार्य बंद नहीं था। कोरोना में हमारे कार्यक्रम बदल गए, कोरोना पीड़ितों की सेवा, यही हमारा कार्यक्रम बन गया। और देश भर के लाखों स्वयंसेवकों ने संपूर्ण समाज के साथ मिलकर उसको बहुत अच्छी तरह संपन्न किया, उसमें भी उनका प्रशिक्षण ही हुआ। क्योंकि कार्यक्रम आपको दिखने में अलग अलग दिखते हैं, लाठी काठी आपको दिख रही, यष्टी दिख रही है, संचलन समता दिख रही, परंतु ये प्रशिक्षण है अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए जो आवश्यक योग्यता है उसको प्राप्त करने का प्रशिक्षण है, जिन बातों का उल्लेख
और श्रद्धेय दाजी ने अपने भाषण में किया, वही बातें हैं। इस कालावधि में हमारा संपर्क समाप्त नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा। बाद में राम जन्मभूमि के लिए धन संग्रह करना पड़ा तो बहुत अधिक गांवों में, 4 करोड़ से ऊपर गांवों में हमारे स्वयंसेवक पहुंच गए, परिचय हो गया, संपर्क हो गया। उसके फलस्वरूप इस बार जो वर्ग था, अभी यहां उपस्थित है, इससे दुगनी संख्या इसमें आने के लिए तैयार थी, लेकिन यहां सबकी व्यवस्था एक समय में नहीं हो सकती, इसलिए इस वर्ग में जो आए हैं वो आ गए, जो शेष है उनके लिए हमको दूसरा वर्ग करना पड़ने वाला है, वो हम करेंगे। परंतु ये सब क्यों चल रहा है, तो वही बात है, भारत माता की जय सारे विश्व में करानी है। क्यों करानी है? हम विश्व विजेता बनना चाहते क्या? नहीं, हमको विजेता वगैरह बनने की आकांक्षा नहीं है, हमको किसी को जीतना नहीं है, हमको सबको जोड़ना है। संघ का कार्य भी किसी को जीतने के लिए नहीं चलता, जोड़ने के लिए चलता है। और भारतवर्ष भी दुनिया में, दुनिया के आदिकाल से अब तक जीता रहा है, तो किसी को जीतने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए। स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है, स्वतंत्र में हमारा स्व कौन सा है? यही हमारा स्व है। बहुत प्राचीन समय में कभी हमारे आर्ष पूर्वजों ने अस्तित्व के सत्य को समझा और जाना कि यह सारा अस्तित्व रंग बिरंगी विविधताओं से भरा हुआ, वो एक ही शाश्वत संपूर्ण एकमेव अद्वितीय सत्य का आविष्कार मात्र है। विविधता ये उस एकत्व की साजा सज्जा है, वो अलगाव नहीं है, आपस में सबका संबंध है, वो आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है। और इसलिए इस अपनेपन की भावना से संपूर्ण विश्व को यह सत्य की ओर ले जाने वाला अपनापन मिले, क्योंकि उस सत्य को प्राप्त करने से शाश्वत और कभी फीका न पड़ने वाला सुख मिलता है, जिसके खोज में सारी दुनिया दौड़ती रहती है, वो केवल वही मिलता है। और हमको प्राप्त हुआ है, सारा विश्व हमारा अपना है, उसको भी प्राप्त होना चाहिए, सबको यह सत्य प्राप्त हो। इसलिए इसी सत्य के आधार पर सत्य, करुणा, शुचिता और तपस, ऐसे जिसको धर्म के 4 पैर अपने यहां कहा गया है, इन मूल्यों पर आधारित एक धर्म जीवन भारत में खड़ा किया, वो हमारा राष्ट्र जीवन बना। हम राष्ट्र है क्यों है? किसी भाषा के कारण नहीं है, किसी पूजा के कारण नहीं है, किसी एक जगह रहने वाले हमें इसलिए नहीं है। हमारे सामने एक समान लक्ष्य है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। मनुष्य का जीवन कैसा हो, दुनिया के लोग आए और हम जो दुनिया के सबसे प्राचीन देश है, हमारा दायित्व है, हमारे को देखकर एक एक को वो शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। यह एक समान उद्देश्य भारतवर्ष के सब पंथ संप्रदायों के सामने, सब भाषा बोलने वालों के सामने, सभी प्रदेशों में निवास करने वालों के सामने, सभी खान पान रीति रिवाज वाले लोगों के सामने है। यहां तक कि मेरा दावा है कि जिन्होंने कुछ ऐतिहासिक कारणों से विदेश से आई पूजा को स्वीकार किया, उनके भी अंतर मन से जब आवाज निकलती है तो उनके सामने यही लक्ष्य होता है, क्योंकि वो भारत के। इस बात की आज दुनिया को आवश्यकता है, क्योंकि सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना, जोड़ने वाला क्या है,
इसकी प्रतीति दुनिया में नहीं है, थियरी है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस नहीं है। उसकी परंपरा भारत में आज तक अखंड चलती आ रही है, सब प्रकार के परिस्थितियों में वो कभी खंडित नहीं होती। वही आध्यात्मिकता और उसके आधार पर खड़ा हुआ यह धर्म जिसको आजकल लोग हिंदू धर्म कहते, वास्तव में वो तो मानव धर्म है, विश्व धर्म है। युगों से इस भूमि में उसका संगोपन संरक्षण संवर्धन हुआ और इस भूमि की इस परंपरा में रहने वाले आज के लोगों को दुनिया हिंदू कहती है, इसलिए वो हिंदू धर्म है। इस भूमि में हम रहते हैं तो इस भूमि ने हमको यह सिखाया, क्योंकि सुरक्षित भूमि थी, बाहर से कोई आने का नाम लेना कठिन था पुराने जमाने में, पर्वत और सागर पर रख करके कौन आएगा। और इसलिए यहां पर पले बड़े लोगों को अपने अस्तित्व के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ा, इतनी समृद्धि थी, इतनी सुरक्षा थी, ये हमारी मातृभूमि ने दी है। उसके आधार पर उस सत्य का साक्षात्कार और उसको सारी दुनिया में देने के लिए आवश्यक सद्गुण संपदा रखने वाला संगठित समाज, उस समाज के आधार पर राष्ट्र की निर्मिति बहुत प्राचीन समय में हमारे यहां हुई। ओम भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर विदः तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम, ये इतिहास हमारे यहां रिकॉर्डेड है वेदों में। हमारा राष्ट्र हमारा बलोज विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषियों के दुर्धर तप से हुआ है, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं हुआ है, अपनी स्वार्थ के लिए नहीं हुआ है, जो अपने पास है वो दुनिया को देने के लिए हुआ है। और वो हमारे राष्ट्र जीवन का आधार स्वर बना, समय का चक्र चलता रहा, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी अच्छे दिन कभी खराब दिन, कभी विश्व पर राज्य कर रहे कभी विश्व के राजाओं से पीटे जा रहे, ऐसी सब परिस्थितियों में हमारे राष्ट्र जीवन का ये सूत्र अभी तक कायम है और अब फिर से अग्रसर हो रहा है। उस सनातन राष्ट्र के हम राष्ट्रीय है, वही धर्म जो समन्वय सिखाता है, जो संतुलन देता है, जो सबको साथ लेकर सबकी उन्नति करना जानता है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति देखो, अपनी उन्नति से सबकी उन्नति हो, ऐसी उन्नति को उन्नति को, वो हमारा स्व है। उसके आधार पर अपने देश के सारे तंत्र को हमको फिर से देखकर स्थापित करना होगा, क्योंकि हमारे देश का प्रयोजन ये है, हमको स्वतंत्रता इस स्व के आधार पर अपना तंत्र बनाकर दुनिया को नया मंत्र देने के लिए हुई है। इस कर्तव्य को पार पड़ने के लिए पहली बात है इस सत्य को अनुभूति करने वाले, इस सत्य को जानकर जीवन जीने वाले लोग चाहिए। धर्म का संरक्षण दो प्रकार से होता है, उस पर आक्रमण होता है, उससे बचाना पड़ता है, उसके लिए बलिदान भी देना पड़ता है, उसके लिए लड़ाई भी करनी पड़ती है। लेकिन धर्मो धर्म ये आचरण से बढ़ता है, आचार प्रभवो धर्म। तो ये धर्माचरण चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए, आपस में आनंद चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख की संवेदना चाहिए, हमारी जो विविधताएं हैं उनको हमारी साजसज्जा के रूप में देखना चाहिए, अलगाव के रूप में नहीं देखना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यह सत्य हमारे पास है, सारी दुनिया को देने के लिए हमारे पास है, उसको देने का समय आ गया है, उसके लिए तैयारी है। और एक बात है, सत्य के अपने पैर नहीं होते, सत्य को शक्ति का आधार चाहिए, बिना शक्ति के दुनिया नहीं मानती। हम किसी को जीतना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया में दुष्ट लोग हैं जो हमको जीतना चाहेंगे, आज भी उनके कारनामे चल रहे।
और इसलिए हमको उस शक्ति की भी आराधना करनी चाहिए जो दाजी ने बताया, उपनिषद की बात कही, जो विद्या को छोड़कर यानी स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर केवल अविद्या की उपासना करते, केवल भौतिकता की तरफ जाते हैं, वो अंधकार में जाते हैं, अंधतमम प्रविशंति, ऐसा कहा है। लेकिन अगले ही चरण में कहा है कि जो अविद्या को छोड़कर केवल विद्या की उपासना करते वो उससे भी घोर अंधकार में फंसते हैं। सही तरीका क्या है? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतम उष्णुते। भौतिक ज्ञान के आधार पर जीवन संग्राम में आने वाली भौतिक बाधाओं का मुकाबला करते हुए यशस्वी बनो और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके उस यशस्विता को सार्थकता में बदल दो। केवल यशस्वी होना, पशु भी होते हैं, यशस्वी हुए बिना सार्थक भी नहीं हो सकते, लेकिन सार्थकता के बिना यश का कोई अर्थ नहीं। और इसलिए हमारे यहां ये मार्ग बताया, ये संतुलन साधा है। और इसलिए जैसे हम इस प्रेम की बात करते हैं, बात नहीं, वो हमको करना है, ये हमारा प्रामाणिक उद्देश्य है, ये कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसी नहीं है। हमको प्रेम देना आता है, संग में आकर देखिए, और हमको सब जगह जाकर यही करना है। संघ हृदय में भर पाए, अब घर घर हमको जाना है, ऐसे प्रसंग पर ये स्वयंसेवक बनते हैं, बने हैं। उनके लिए संदेश क्या है? हिंदुत्व एक, अपनत्व भावना, रोम रोम में भरना है, अहंकार व्यक्तित्व भुलाकर सबको अपना करना है। स्वयंसेवक इसी के लिए बनते हैं। लेकिन सब बातों को शक्ति का अधिष्ठान चाहिए, शक्ति को सत्य का, सत्याधारित नीति का अधिष्ठान चाहिए, नहीं तो शक्ति उपद्रवी हो सकती है। शक्ति चाहिए, लेकिन दुष्टों के हाथ में विद्या विवाद आया, ज्ञान मिला, जानकारी मिली, उसका उपयोग लोगों में झगड़े लगाने के लिए, नकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए करना दिखाई देता है। धनम मदाय, धनवान हो गए तो ऐसा मद आता है कि उस धन के बल पर कुछ भी करेंगे, कोई लिहाज नहीं रखेंगे। शक्ति परेशान पर पीड़ना है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए शक्ति का उपयोग, यह दुष्टों का है। खलस्य, जो नीति विहीन है, जो सत्य पर नहीं चलते, जो अपनत्व को नहीं जानते। परंतु साधुओं का क्या है? साधोर विपरीतम है, तो उनका उल्टा है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या मिले तो लोगों का ज्ञान बढ़ाने में उसका उपयोग करते हैं, धन मिला तो लोगों के अभावों को दूर करने के लिए दान करते हैं, और बल मिला तो दुर्बलों की रक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये नीति नहीं है तो शक्ति उपद्रव बनती है, अभी हम देख ही रहे, लड़ाई चल रही, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, ठीक नहीं कर दिया, विरोध भी हो रहा है, लेकिन कोई भी यूक्रेन में जाकर रशिया को रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रशिया के पास ताकत है, वो धमकी देता है, धमकी दे रखी है, इधर आओगे अणुबॉम्ब चलाऊंगा, डरना पड़ता है। अच्छा, जो कर रहे हैं उनके भी हेतु कहां पवित्र है? वो तो सारे शस्त्रास्त्र यूक्रेन को दे रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, पुराने जमाने में पाकिस्तान और भारत को लड़ा के दोनों तरफ से अपने शस्त्रों की परीक्षा करते थे पाश्चात्य राष्ट्र, ऐसा ही कुछ चल रहा है। एक भारत है जो सत्य बात बोल रहा है, लेकिन उसको भी बड़ा संतुलन साध कर चलना पड़ रहा है, और सौभाग्य से उसने वो संतुलित भूमिका ली है, उसने आक्रमण का समर्थन नहीं किया और रशिया का विरोध भी नहीं किया है। यूक्रेन को लड़ाई की नहीं बाकी मदद कर रहे हैं, रशिया को बार बार बोल रहे बातचीत करके ठीक करो भैया। भारत अगर पर्याप्त शक्तिशाली होता तो इस युद्ध को रोकता, लेकिन वो नहीं रोक सकता, उसकी शक्ति अभी बढ़ रही है, पूरी नहीं हुई है।
लेकिन हम देख रहे हैं बलाढ्य राष्ट्र है, चीन क्यों नहीं रोकता? नहीं रोकता क्योंकि इस युद्ध में उसको भी कुछ नजर आ रहा है, पता नहीं कोई नई कल्पना उसको सूझेगी, उपद्रव होंगे। इस युद्ध ने हमारे जैसे देश के लिए सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी है, हमको अपने प्रयासों को अधिक दृढ़ करना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। ऐसी शक्ति अगर भारत में हाथ में होती तो यह प्रसंग नहीं आता दुनिया में, लेकिन ये शक्तिमान लोग हैं, लेकिन अपनत्व से एकत्व से आने वाली धर्म प्राण नीति उनके पास नहीं है, इसलिए भाषा तो वही है शांति की एकता की। संस्थाएं भी बनाए रखी है बड़ी बड़ी, यूनो जैसी, सैन्य संभार वगैरह सब कुछ है, समृद्धि है, लेकिन स्वार्थ में ही जीते हैं, अपने स्वार्थ की सुरक्षा के लिए सत तत्वों का भी उपयोग करते हैं। इसलिए नीति चाहिए, शक्ति चाहिए। ये शक्ति जैसे सत्व संपन्नता में होती है वैसे एकता में भी होती है, जिसका उल्लेख बार बार किया दाजी ने। भारत को परम वैभव संपन्न बनाना, भारत को विश्वगुरु बनाना, ये समय की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए भारत में सर्वत्र लोगों को भारत बनकर एक होना पड़ेगा। यह भारत का स्व है, वो किसी पूजा के आड़े नहीं आता, वो किसी पूजा का विरोध नहीं करता, वो किसी एक भाषा का समर्थन नहीं करता, सब भाषाओं को अपना मानता है, वो सब प्रांतों के लोगों को अपना ही मानता है, एक ही भारत माता के सारे पुत्र है, समान पूर्वजों के सब वंशज है, और यही स्व आधारित धर्म संस्कृति सबको विरासत में मिली है। धर्म को पूजा से और कर्मकांडों से, खान पान रीति रिवाज से अलग करो तो हमारा धर्म बचता है, बंधुभाव, मानवता, वही भारत का स्व है, वही भारत का प्राचीन सनातन धर्म है, वही मानवता है, उसी को आज हिंदू धर्म कहते हैं। हम सबको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि विविधताएं अपनी है परंतु वो अलगाव नहीं है। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, अब ऐसे मुद्दे है, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो इतिहास हमने नहीं बनाया, ना आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, ना आज के मुसलमानों ने बनाया, उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया, उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू, आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे, उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया, इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं, ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए, मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता,
इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए, उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है, परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है, अशफाक उल्ला खान, इब्राहिम खान गारदी, इतिहास काल से चलता आया है, उनका संबंध यहां से है, बाहर से नहीं है, और इसलिए उनको भी समझना चाहिए। भारत मातृभूमि, भारत की संस्कृति सर्वसमावेशकता उसकी, किसी को न बदलते हुए सबको अपना मानना, अपनी पूजा अपने जगह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सबके पूजा सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसी की बुराई नहीं करना, मेरा ही सही, ऐसा कट्टरपन और अहंकार नहीं रखना, और जनजीवन में सबके साथ बराबरी में आना, ये मान्य था, इसलिए तो पाकिस्तान बना, तब कुछ लोग चले गए, ये लोग नहीं गए, इसका अर्थ यही है ना, हमारी पूजा अलग हो गई इसलिए हम भारत को छोड़ना चाहते, ये हमको मंजूर नहीं, ऐसे ही सोचा होगा। तो उस भारत के साथ समरस होकर रहना, अलगाव का वही राग फिर से अलापना नहीं, पूजा अलग है इसलिए अपना हित अलग है ऐसा मानना नहीं, और संपूर्ण हिंदू समाज ने भी यह समझना कि यह हमारे ही पूर्वजों के वंशज, रिश्ते से हमारे, खून के रिश्ते से हमारे भाई, ये अगर वापस आना चाहते तो दोनों हाथ खोलकर हम उनका स्वागत करते, नहीं भी आना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे यहां इतने 33 करोड़ देवता है और बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अपनी अपनी पूजा तो सब कर रहे हैं। देशभक्त हो सब लोग, हमारी संस्कृति की उदारता सर्वसमावेशकता, सबको समान रूप से देखना, अपना मानना, अपने विकास से सबका विकास हो, अपना विकास कोई अलग और विशिष्ट नहीं है, सबके साथ ये देखना, और हमारे वही पूर्वज है जिन्होंने हमको ये विरासत दी, उनके गौरव को मन में रखकर उनके रहन सहन का अनुकरण करते हुए आगे चलना, एकता का तो यही मार्ग है, हमारे संविधान की प्रस्तावना इसी का आदेश देती है, उसमें मार्गदर्शक तत्व है, वो यही बताते हैं। हमने ध्यान रखना चाहिए, समाज में एकता है तो एक दूसरे की संवेदनाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा, मन वचन कर्म में कोई अतिवादिता आनी नहीं चाहिए, दोनों तरफ से उधर उधर उल जुलूल धमकियां देने वाली बातें अगर होती है, हिंदुओं की ओर से बहुत कम होती है, हिंदुओं ने बहुत धैर्य रखा है, हिंदुओं ने इस एकता के लिए बहुत ज्यादा कीमत भी चुकाई है, देश भी तोड़ दिया है, और फिर भी ऐसे स्वर उठते हैं और उसका विरोध कोई करता नहीं उधर से,
इसलिए हमारे जैसे लोग बताते रहते भाई सब अपने हैं, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह रहता है, हिंदू के मन में। और इसलिए अपने अपने ऐसे अतिवादी लोगों को टोकना चाहिए, हिंदुओं में टोकते हैं, हम भी कुछ बोल गए तो हमको भी टोकने वाले लोग हैं। हिंदू समाज किसी प्रकार का अतिवाद मान्य नहीं करता है, इसलिए हिंदू समाज में सब लोग आए, यहूदी आए, पारसी आए, विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ा आया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती, ये हिंदू के जीवन की परंपरा है। इसको समझकर हिंदू भी अपना हिंदुत्व का आचरण ठीक करे, शक्ति संपन्न हो, जीतना नहीं है किसी को, लेकिन किसी की ओर से जीता भी नहीं जाना है, डराना नहीं है किसी को, लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। ऐसा हिंदू रहे और इन सबको गले लगाकर एक राष्ट्र जीवन के समृद्ध प्रवाह में सबको शामिल कर ले। इसके लिए जैसा शील चाहिए, जैसी शक्ति चाहिए, वैसी शक्ति सब में भरने का यह संघ का प्रयास है। अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य ये आवश्यकता है देश की, क्योंकि हम सबको भाषा, प्रांत, पंथ आदि की सारी विविधताओं को लेकर एक दूसरे से दूर करना, आपस में लड़ाना और उन झगड़ों की आग पर अपने स्वार्थ की रोटियों को सेकने का उद्योग करने वाले अभी भी कार्यरत है, दुनिया में भी है, देश में भी है। उनके चंगुल में किसी प्रकार के समझदार लोगों को नहीं फंसना चाहिए, लंबा चलना पड़ेगा। आज ऐसा विचार आया, किसी ने बोला और कल बदल हो गया, ऐसा नहीं होगा। कठिन रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन इसमें से जाना पड़ेगा। हम लोग भारत माता की जय करना चाहते हैं, हम लोग आपस में अपनत्व भाईचारे पर विश्वास रखते हैं, हम लोग भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो हमको इस व्रत को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सामर्थ्य संपन्न संगठित हिंदू समाज अपने हिंदुत्व की सच्ची प्रवृत्ति के आधार पर देश में क्या, सारी दुनिया के कलह, द्वेष, स्पर्धाएं बंद करके एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनाने की क्षमता रखता है। उस क्षमता का, उस गुणवत्ता का जागरण सारे देश में करने का यह संघ का प्रयास 1925 से चल रहा है। कार्यक्रम खंडित हो गए बार बार, लेकिन कार्य कभी खंडित नहीं हुआ, एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। आज नहीं तो कल इसको हम यशस्वी कर पाएंगे, आज नहीं तो कल, मैंने कहा, लेकिन अब जो दृश्य दिखता है उसमें लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष का समाज एक होकर, सारे भेद भूलकर, आपस के स्वार्थों को तिलांजलि देकर, देश को बड़ा बनाकर दुनिया को सुखी बनाने के उद्योग में लगा है। यह दृश्य अपने कार्य की गति बढ़ाकर और यहां उपस्थित निमंत्रित बंधुओं का सहयोग उसमें होकर खड़ा हो सकता है, इतनी परिस्थिति की अनुकूलता आज खड़ी हुई है। सावधान, संघ उत्तिष्ठ, भुजदंड भाषा, एक, दो, तीन, चार, आ रमा, संघ दक्ष, ध्वज प्रणाम, एक, दो, तीन।
संघ विग्रह वाम मृद अरम स्वस्थ। अतिथियों का प्रस्थान होने के बाद हम सब लोग अपना स्थान